हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नई वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर प्रेयर को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। नाइट प्रेयर, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, ठीक है। यदि आप दुख में है, तकलीफ में, समस्याओं में है, तो पिता से बताएंगे। पिता हमारे दुखों को, गरीबी को, बीमारियों को दूर करेगा, ठीक करेगा, है ना मेरे भाई और बहनों। हम सभी को पिता से बताने की आवश्यकताएँ हैं, हमें घबराना डरना नहीं है, ठीक है। यहोवा जुलाहर हमारे साथ है, वो आगे चलने वाला परमेश्वर है, ठीक है। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में, समस्याओं में ग्रस्त हैं, तो हमें किसी मनुष्य से नहीं बताना, हमें परमेश्वर से बताना है। परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं, ठीक है। मनुष्य तो सिर्फ आपसे पाप करवाएगा, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पर भरोसा रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को यीशु मसीह पे भरोसा करना है, हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है। मैं जब परेशानी में, दुख में, तकलीफ में है, तो हमें पिता से बताना, यीशु मसीह से बताएंगे, ठीक है। यीशु मसीह से बताइए, अपने घुटने टेक कर बैठ जाएंगे और अपने दुखों को, अपनी गरीबी को, अपने आंसुओं को पिता से शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, जो आपने मेरे समय में सभी को जीवितों के बीच में मेरे समय जीवित रखा है, संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा है यीशु पापा, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता, वे मर गए होंगे पिता, और उनके स्थान पर चले गए होंगे मेरे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते। मेरे सभी, जहाँ पर धनवान अभी भी मौजूद है पिता, मेरे प्रभु, जो आपने सभी को अपने पंखों के आड़ में छिपाया है पिता, इस संसार से चुना है, चुन के अलग किया पिता, ज्योति में कर दिया पिता, इसके पिता धन्यवाद करते हैं। यश, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु पापा। प्रभु, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है पिता, क्योंकि हम महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य यहोवा जुलाहर यीशु पापा। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, खास जोर से विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, जो बीमार पड़े हैं पिता, जो मसीह भवन बीमार पड़े हैं, बीमारी में ग्रस्त है पिता, कैंसर में, डेंगू में, बुखार में, मलेरिया में पिता, और अन्य घातक खतरनाक बीमारियां हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसमें जूझ रहे पिता। मेरे प्रभु, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, लास्ट में अमीन बोलकर रसीव करते हुए अमीन बोल रहे पिता, उनकी बीमारियाँ ठीक होने पाए, ये बीमारियाँ नष्ट हो जाएं। मेरे प्रभु, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, वो हॉस्पिटल से पिता घर आने पाए पिता, वो चंगाई रिलीज कर देते यीशु मसीह आपके नाम से, वो स्वर की सामर्थ ब्लेसिंग छू ले यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रभु, आपके नाम से मांगते हैं, आदेश देते पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन में मेरे पिता, पिता बीमारियां ठीक हो जाए पिता, बीमारियां दूर होने पाए पिता, आपके सामर्थ्य नाम से मेरे पिता आप चंगाई देने लगे परमेश्वर। मेरे पिता, आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे पिता, आपका वचन कहता है, तुझे महामारी से और बहनों की जाल से बचाएगा। मेरे प्रभु, आपने कहा है सब वचन के माध्यम से पिता, इस वचन करे पिता, हर एक जन की सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, रक्षा करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवादेशु, 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 पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकार यीशु पापा आपको दिया गया है। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, खास दौर से पिता, उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जो गरीब हैं पिता परमेश्वर, पिता जो लाचार है पिता, जो कमाने ले नहीं है मेरे शमी, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता, पिता गरीबी में लिप्त है पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता, इनके आंसुओं को देख लीजिए मेरे शमी, मेरे पिता, इनके आंसुओं को पोष डालिए यीशु मसीह आपके नाम से। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे शमी, आपके नाम से मांगते प्रभु, आपके नाम से ढूंढते खटखटाते इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, मेरे प्रभु, इनके घरों के प्रश्न से उंडेल दीजिए प्रभु, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, और स्वर्ग के झरोखे खुल जाएं, बंद आशीषें खुलने पाए, ओपन द डोर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, बंद दरवाजे खुल जाएं, इनके जीवन में मेरे पिता आशीषें उमड़ जाएं पिता, उंडेल दीजिए यीशु मसीह आपके नाम से। मेरे प्रभु, ये बहुत तेरी जातियों को उधार देने लिए बन जाएं। मेरे प्रभु, इनके हाथ मांगने लगे नहीं मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, लास्ट में अमीन बोलकर रसीव करे पिता, इनकी गरीबी को दूर करे पिता, इनके हाथ देने ले हो जाएं,
हजार जातियों को नहीं पिता बल्कि बहुतेरी जातियों को उद्धार देने बन जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते मेरे ईश्वर मेरे पिता। आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया, कुड़िये पहियों को शुद्ध किया मेरे पिता। आप यहोवा जुला और परमेश्वर मेरे पिता। आपके ना कोई तुल्य व ना कोई उपाय इस जगत में मेरे पिता। मेरे प्रभु जो हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता परमेश्वर पिता पाप गलती गुना हुए हैं मेरे स्वामी, या माफ करिए, अब क्षमा करिए मेरे पिता। पिता हम मानव जाति निर्बल दुर्बल कमजोर है पिता, हम सभी से पाप हो सकते हैं पिता। मेरे प्रभु अपने लहू से शुद्ध करे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाएगी पिता। आपका वचन कहता है जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता मेरे पिता। आपने कहा मेरे प्रभु आप हम सभी के पाप को माफ करे पिता। आपका वचन कहता है यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं पिता, तो आपने कहा उसके पापों को क्षमा दी जाएगी, उसके पाप हम किन उजले कर दिए जाएंगे, बर्फ बर्फ के समान श्वेत कर दिए जाएंगे मेरे पिता। आप अपने लहू से शुद्ध करें पिता। हुआ महान है, आप दयालु हैं मेरे पिता। आप ही के पास अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं। प्रभु आप क्षमा करें, माफ करें यीशु पापा। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से मेरे पिता परमेश्वर पिता जो काम करने गए हैं बाहर पिता, जो अपने घर वापस आ रहे हैं पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, उनकी आने जाने में मेरे पिता उनकी सहायता करें, मदद करें मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ कहीं तुम जाओगे मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक है मेरे पिता। आपने कहा मैं तुम्हारे आगे आप चलने वाला परमेश्वर मेरे पिता। आपने कहा जिस मार्ग पर तुमको चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तुम्हें हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर मेरे पिता। आपने कहा मेरे पिता हर एक जन की सहायता करें पिता, आने जाने में मेरे पिता हर एक जनों की सहायता करें मेरे पिता। अपने दूत के द्वारा सहायता करें, आपके दूतों का बड़ा बांध देते यीशु मसीह आपके नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता उनके लिए प्रार्थना करते पिता, जिन घरों में दुष्ट आत्मा है मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो दुष्ट आत्मा उनके घरों में कार्य कर रही पिता, लड़ाई झगड़ा डालनी मेरे पिता, बेचैनी डालनी, परेशानियाँ डालनी मेरे पिता, आपके नाम से उस शैतान के घरों से कौसो दूर खदेड़ देते यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। जिन मसीह भाई बहनों के अंदर दुष्ट आत्मा है मेरे पिता परमेश्वर पिता, वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकले अभी इसी घड़ी, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती थरथराती हैं, कौसो दूर भागती है मेरे प्रभु आपके नाम से मेरे पिता। आपके सामने उनकी औकात नहीं खड़े रहने की, टिके रहने की मेरे प्रभु। मेरे पिता भी आजाद होने पाए, फ्री होने पाए, ओली गोश्वर यीशु के नाम में फ्री होने पाओ यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां को सो दूर जाने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिन घरों जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे पिता, लड़ाई झगड़े नहीं बंद होते मेरे स्वामी मेरे पिता, जो शैतान के जीवन में कार्य कर रहा है पिता, इन्हें भटका रहा आपके वचन को वचन से मेरे पिता। आपके नाम से मेरे प्रभु उनके जीवन से लड़ाई झगड़ा बंद होने पाए, वो आज़ादी मांग लेते हैं यीशु मसीह आपके नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं, ख्याल विचार आता है मेरे पिता। मेरे प्रभु आपके नाम से पिता इनके चारपाई के पास आपके दूध का बड़ा बांध देते हैं प्रभु, जब ये लेटे तब इन्हें सुख की नींद आ नहीं पाए पिता। मेरे प्रभु आपके लहू का छाप, आपके लहू का बाड़ा बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी पिता। इस वचन के द्वारा जन की सहायता करें पिता। मुझे आशा है, विश्वास है प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है, छोटे से मित्र आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।